रागिनी ने इसी साल 17वीं में प्रवेश किया था। वो इंटर फाइनल की छात्रा थी। जब भी स्कूल जाती रकीब नाम का एक लड़का अपने दो दोस्तों के साथ उसे हमेशा अक्सर परेशान करता। उसको रास्ते में रोक लेना और उसके ऊपर गंदे गंदे कमेंट करना रकीब का रोज का काम बन गया था। रागिनी इस लड़के से काफी परेशान आ गई थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसको कैसे जाए। नमस्कार, मैं राजा कुमार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपको शर्म भी आएगी और सजा देकर गर्व भी महसूस होगा। रकीब को मालूम था कि वो घर से ठीक 10:30 में सुबह निकलती है और उसी समय वो रास्ते में जाकर खड़ा हो जाता। अक्सर रकीब के साथ उसके दो दोस्त जरूर साथ रहते। घर से स्कूल की दूरी लगभग 5 किलोमीटर थी और वहाँ जाने का रास्ता बिल्कुल सन्नाटे सा था। एक दिन स्कूल जाते समय बेमौसम बारिश होने लगती है और वो पूरी तरह से भीग जाती है। उसका बस्ता भी भीग गया था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने जल्दी से अपनी सहेली रीना को फोन किया कि प्लीज बारिश की वजह से वो रास्ते में बहुत ही बुरी तरीके से फंसी हुई है। ये बोलकर अपने सहेली को आने को बोलती है। तब तक ये लड़की पास के पुराने खंडहर भरे रूम में जाकर खड़ी हो जाती है। इस लड़की का पीछा करते करते रकीब और उसके दोस्त वहाँ पर पहुँच जाते हैं। रकीब अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस लड़की को छेड़ने लगता है, पर अकेली पड़ी ये लड़की इन लड़कों का सामना नहीं कर पाती और बेचारी रोने लगती है। डर से ये बेचारी लड़की इस खंडहर पड़े रूम में बहुत ही बुरी तरह से सहमी हुई थी, पर इन बेरहम लड़कों को थोड़ी सी भी रहम नहीं आती है और वो इस लड़की को उठाकर अंदर की ओर खंडहर पड़े रूम में लेकर चले जाते हैं। ये लड़की बहुत चीखती है, चिल्लाती है, पर रास्ता सुनसान होने की वजह से दूर दूर तक कोई भी इंसान इस लड़की की आवाज नहीं सुन पाता है और ये तीनों लड़के एक एक करके इस लड़की का रेप करने लगते हैं। उधर उसकी सहेली बारिश थमने का इंतजार कर रही थी। एक एक बार रेप करने के बाद ये तीनों लड़के एक प्लान बनाते हैं और लड़की के सामने कैमरा रखकर फिर से बारी बारी से लड़की का रेप करते हैं। लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके बाद ये वीडियो को दिखाकर लड़की को डराते हैं कि अगर ये बात तुमने कही तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे। इधर बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। इनका ये सिलसिला करीब 2 घंटे तक ऐसे ही चलता रहता है। तभी अचानक उसकी सहेली की गाड़ी इस खंडहर के पास आकर रुकती है। गाड़ी की आवाज सुनते ही सभी लड़के वहां से भाग जाते हैं। जल्दी जल्दी में उनका कैमरा रूम में ही छूट जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें ध्यान आता है कि कैमरा तो रूम में ही छूट गया। फिर उसमें रकीब बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं बाद में जाकर उस कैमरे को वहां से निकालकर बाहर लेकर आऊंगा। इधर इसकी सहेली अपने दोस्त को ऐसी हालत में देखकर उसे गले लगाकर रोने लगती है। लड़की की सहेली सबसे पहले अपने दोस्त को कपड़े पहनाकर उसे छुप कराती है और रूम में लगे कैमरे को ढूंढने लगती है। कैमरा मिलने के बाद ये लड़की अपनी सहेली को लेकर वहां से चुपचाप चली जाती है। उसके अगले दिन रागिनी और उसकी सहेली रीना पुलिस कंप्लेन करने की सोचती है, पर पुलिस के बिगड़े रवैये और क्रूर व्यवहार तथा इज्जत के डर से ये बेचारी लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती है और कंप्लेन ना करने का फैसला लेती है। तभी पीड़ित लड़की की दोस्त रीना उन लड़कों से बदला लेने के लिए प्लान बनाती है और कैमरे में रिकॉर्ड हुए वीडियोस को एडिटिंग करके लड़की के चेहरे को ब्लर करके उसे अपलोड करने का फैसला लेती है। और शाम 3 बजे लड़की सभी व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर उस वीडियो को अपलोड कर देती है। इस वीडियो में लड़कों का चेहरा उनका नंगा खेल साफ साफ दिख रहा था और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में वीडियो पूरी तरह तेजी से वायरल हो जाता है। उधर रकीब के फैमिली की नजर जब इस वीडियो पर पड़ती है तो रकीब और उनके दोस्तों के फैमिली वाले अपने बच्चे को पीट पीट कर घर से बाहर निकाल देते हैं। इधर ये वायरल वीडियो पुलिस के हाथ लग जाता है और पुलिस इन तीनों लड़कों को ढूंढने लगती है। तीनों लड़के शहर में कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए थे। पहले तो परिवार वाले घर में रखना नहीं चाहते थे, साथ ही साथ पुलिस भी इनके पीछे लगी हुई थी और रास्ते में कोई भी पब्लिक देख ले तो अलग से पिटाई करती थी। ये लोग अपने पापों तले दबे हुए आत्महत्या कर लेते हैं। पुलिस तीनों का लाश जब्त कर लेती है और इनके परिवार के पास लेकर जाती है, पर तीनों लड़कों के परिवार वाले इनको पहचानने से साफ मना कर देते हैं। पुलिस अब इस वीडियो को अच्छे से जांच करती है और लड़की को पकड़ लेती है और पूछताछ करने लगती है। जब इन पुलिस वालों को ये लड़की अपनी आप बीती कहानी बताती है तो इनके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सभी पुलिस वाले बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं और इस लड़की को मीडिया से दूर रखने के लिए इस केस को सभी पुलिस वाले मिलकर वहीं पे बंद कर देते हैं। आई होप इससे महिलाओं को बहुत बड़ी सीख मिली।